आपको रखना है। सुबह उठने के बाद में जो हर सप्लीमेंट लेने का शक्ति रहे तो तीनों को मिला करके ग्लास में डालना है। आधा या एक लेमन का जूस डालना है, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और एक चिटका काला मिर्च पाउडर, सुमसुम पानी आकर के मिक्स कर लेना है। अनी क्यों रहे तो डालना है, नहीं तो 99% अनी आपको मालूम है कैसा रहता है। इसलिए अनी नहीं डाले तो ही अच्छा रहता है। सो जब हम कमिश्नर थे मुजफ्फरपुर में तिरु डिवीजन में, वो हनी को क्या करता था, जब अनसीजन रहने के समय पर सड़ा हुआ जो मिठाई को जो उबाल करके उस पानी को उसको फीडिंग करता था। यू कैन इमेजिन ऐसा हम लोग कल्टिवेट कर रहा है अभी भी इसको भी। दैट्स आल्सो वेरी रॉन्ग, इसलिए मैं बोल दिया। सो फर्स्ट मॉर्निंग में बोल दिया उसको लेना है, उठने के बाद में यून मुंह नहीं धोए तो भी अच्छा है, क्योंकि मुंह के अंदर प्रोबायोटिक का माइक्रोब्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी शेर कभी भी मुंह नहीं धोता, लेकिन शेर कितना स्ट्रॉन्ग रहता है। सो इसलिए हम लोग मुंह धो धो करके वो चीज ये करता है। इसे वेरी फ्रैंकली कहेंगे, टेक्निकली स्पीकिंग प्रोबायोटिक अंदर रहता है माइक्रोब्स। सो ऐसे ही उठने के बाद में नेचुरल काला मिर्च के बाद में पी लेना है। उसके बाद में ये 3 से 4 कली लहसुन, आधा सेंटीमीटर अदरक स्लाइस करके, 1 टीस्पून मेथी का दाना भिगा करके रात में, या स्प्रोट्स करके चबाना है। ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? इमीडिएटली उसको गैप भी नहीं देना है। किसी किसी जगह में 15 मिनट गैप देता है, खराब हो चुका है माइंड, अगेन 15 मिनट वेट करना पड़ता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद में मेडिटेशन करना बहुत सीखना है। मेडिटेशन बेसिकली ब्रेन रेस्ट देता है, ब्रेन के लिए। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये फोरहेड में, और वो जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है मस्ट ग्लैंड है हमारा ब्रेन का, उसका थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसी को अटैच है। थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। सो मेडिटेशन करे तो शांत से सिर्फ श्वास कैसा आ रहा है जा रहा है बस उतना ही देखना है, कॉन्शियस को देखना है बस इतना आप एंजॉय करेंगे। इट इज लाइक अल्कोहल, नशा आ जाता है। इसलिए हर भगवान हम बंद करके ये रखा है, इट्स कॉल्ड यू नो मेडिटेशन। यू लॉर्ड बुद्धा भी हम बंद करके पोस्चर में रखा है। सो इसलिए मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट विथ 10 मिनट्स, आप करते करते आपको उम्र कितना है उतना मिनट करने के लिए काफी है। अभी हमारा उम्र 62 ईयर्स है, तो 62 मिनट्स करे तो अच्छा रहता है। कभी कभी नहीं कर सकता हूं लेकिन बट स्टिल मैं करता हूं। सेकेंडली प्राणायाम, ये योगा का ये 2 सेगमेंट है प्राणायाम अमंग दैट 6 सेगमेंट में। सो ये प्राणायाम, प्राणायाम में 3 इंपॉर्टेंट है। एक बस्से का श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है धीरे धीरे धीरे। सेकेंडली कपालभाति है, मालूम है ऐसा ऐसे ही करना है। थर्ड वन इज अनुलोम विलोम, लेफ्ट लेना है राइट छोड़ना है, राइट लेना लेफ्ट छोड़ना, वो एक सेट है। इसको बस्त्रिका में लेना और छोड़ना उसको एक सेट, 40 सेट करना सीख लीजिए, बोर नहीं होता। कुछ भी मतलब आपका डिप्रेशन हो इंसोमनिया हो 4 दिन से 1 महीने में क्लियर हो जाता है। कपालभाति 100 शुरू कीजिए, 1,000 तक चाहिए। 100 का मतलब 1 यूनिट, 200 का मतलब 2 यूनिट, लाइक दैट यू शुड गो इंक्रीज इट। अनुलोम विलोम लेफ्ट ले करके राइट छोड़ना, राइट ले लेफ्ट छोड़ना, मतलब जुबानी में उसका 20 यूनिट। सो ये करे तो आपका 1.5 घंटा निकल जाता है। जब 1.5 घंटा 2 घंटा आपका शरीर को आप टाइम नहीं दिए तो किसको देता है? इसके लिए एक छोटा स्टोरी भी है, बिकॉज बहुत नया लोग है इसलिए मैं इतना मतलब दूर दूर से आया हुआ है, तो आई एम सो सरप्राइज टू हियर मधुबनी से भी आया। आई वॉज अ डिविजन कमिश्नर दरभंगा 2012 में 12 या 10 में। सो उसमें क्या है, क्या बोलोगे, स्टोरी एक महिला, ये पहले हस्बैंड ठीक नहीं है, ऐसा करके सेकेंड हस्बैंड वो भी ठीक नहीं है, थर्ड हस्बैंड वो भी ठीक नहीं है, फोर्थ हस्बैंड शादी करती है।
फोर्थ हस्बैंड होते होते बूढ़ी हो जाता है। सो जब बूढ़ी हुआ तो फोर्थ हस्बैंड को पूछता है कि मैं मर रहा हूं, आप भी चलिए साथ में रहेंगे। वो लात मारता है, हम क्यों आएंगे, हम क्योंकि और उम्र है। सो पूछते पूछते आता है, थर्ड वन भी एग्री नहीं किया, सेकेंड वन भी एग्री नहीं किया, फर्स्ट वन अग्री कर दिया। फर्स्ट वन हमारा शरीर है, हम लोगों पति पत्नी बच्चा फ्रेंड्स ये कमाना ऐसा करते करते शरीर को हम लोग भूल जाते हैं। सो बाद में शरीर को कोई भी नहीं देख सकता है। मैं आपको बताएंगे, आई शुड नॉट स्पीक यू नो सर्टन थिंग्स, बट हम रूट ही बोलता हूं। ज्यादा दिन बेमर रहे तो कोई भी हो घर में कुत्ता जैसे ही देखेगा, वो सोचेगा कि कब भगवान ले जाएगा। अभी कुत्ता को डिसेबल हुआ तो क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्शन दे देता है, उसको डिस्पोजल कर देता है। इमोन्स को भी वही सोचता था लेकिन अलो नहीं किया, बिकॉज उसको मिसयूज कर लेगा ऐसा सोचकर। सो इसीलिए अपना बॉडी को ठीक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यही आप लोगों सिस्टमेटिकली सुबह उठने के बाद में वो वेदलेक्सर का सप्लीमेंट, और गरीब की क्या है बोलना मैं बोल दिया है। सेकेंड स्टेप इज प्रीबायोटिक्स, थर्ड पर स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर बाथ रॉ वेजिटेबल जूस मैं बोल दिया। यस, देन बाथ करने के बाद में, पूजा करने के बाद में, जब ब्रेकफास्ट में बैठेंगे उस समय पर फर्स्ट कोर्स ऑफ द ब्रेकफास्ट शुड बी वन ग्लास अलसी का मट्टा। एक ग्लास अलसी का मट्टा का वैल्यू 10,000 रुपया का, इधर 2 रुपया भी खर्च नहीं होगा। yes. क्योंकि 100 किलो में कितना ओमेगा 3 ओमेगा 6 लिगनस है उतना इसमें है। एक बार भी लिए तो कभी भी कैंसर नहीं आएगा, कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगी, कभी भी स्ट्रोक नहीं होगी, कभी भी एनर्जी लेवल कम नहीं होगी। लेडीज के लिए मुंह शेविंग रहेगा और समय पर बाल नहीं गिरेगा, एंड मेनोपॉज प्रॉब्लम रहे तो वो भी नहीं रहेगा, एंड बहुत गैनिक इश्यूज ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। सो इसीलिए आप खुद आप घर में करें तो देन दूसरों को बोलने के लिए आपको आसान लगता है, आप ही को जानकारी देंगे तो दूसरों को क्या बोलेंगे। सो देन फ्रूट्स लेना है सेकेंड कोर्स, देन भूख लगे तो देन आप दूसरा नाश्ता खाना है, नहीं तो माय गॉड इतना अच्छा पूरी सब्जी है खा लो। सो भूख नहीं रहता यू देन खा लेना, देन क्या वो ब्रूटी हो जाता। सो ये प्रक्रिया आप लोगों को ये करना है। दूसरा कुछ भी हो पेट और नीचे का जो भी ऑर्गन्स के लिए वेद इम्यूने बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली पेट का, ऑलवेज टेंशन की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का प्रॉब्लम, और ऊपर का हार्ट का हो लिवर का हो जो भी हो, सप्लीमेंट्स वेद नेचुरल बहुत अच्छा काम करता है। सो दोनों मिक्स करे तो दैट्स सेकंड थिंग, इट्स अ वेरी इफेक्टिव। इवन स्ट्रोक पेशेंट को आप इमेजिन नहीं कर सकता है कि गरीब है, सुबह 15 ml वेद नेचुरल, शाम को 15 ml वेद मैंने लिया है, एक स्टोरेज रिजल्ट आया है। सिमिलरली फॉर सो मेनी हेल्थ रिजोर्स, so in such a way it will support to be entire body apparatus। so अभी ये हुआ है, इसको आप लोगों कट करके next दे दूंगा, next important disease wise, because बहुत आदमी को बहुत confusion है। so मैं अभी first disease cancer के लिए क्या diet होना है।